एप्रेम के पहाड़ी देश में एल्काना नामक एक पुरुष रहता था। उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के बालक हुआ, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। एल्काना प्रतिवर्ष अपने नगर से परमेश्वर को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रेम रखता था। परंतु उसकी सौत इस कारण से उसको चिढ़ाती कुड़ाती थी कि उसके पास कोई संतान नहीं थी। और जब हन्ना ईश्वर के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है, क्यों खाना नहीं खाती, तेरा मन क्यों उदास है, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अधिक अच्छा नहीं हूँ। तब शीलो में खाने पीने के बाद हन्ना उठी। वह मन में व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने मन्नत मानी, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए तुझे अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह प्रार्थना कर रही थी, एली याजक उसे देख रहा था। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने परमेश्वर से मांगकर इसे पाया है। जब उसका दूध छुड़ाया, तब वह उसको संग ले गई, बालक को एली याजक के पास पहुंचा दिया और कहने लगी, यह वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती थी, परमेश्वर ने मुझे मुंह मांगा वर दिया, इसीलिए मैं भी इसे परमेश्वर को अर्पण करती हूँ कि यह अपने जीवन भर परमेश्वर का बना रहे। प्रियो, आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ, अगर हम विश्वास के साथ उससे जो कुछ भी मांगते हैं तो वह हमें देता है, और जो मन्नत हमने उससे मानी है हमें भी हन्ना की तरह उसे पूरा करना चाहिए। तो प्रियो, मैं आज आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगी, यदि आप ईश्वर के आगे रोते हैं, यदि आप ईश्वर के आगे बिलखते हैं, यदि आप ईश्वर से अपने मन की बातों को खोलकर कहते हैं, तो विश्वास करिए वो आपको ज़रूर अपने समय पे आशीष ज़रूर देगा। जैसे हम देखते हैं पनिन्ना की संतान थी और हन्ना की कोई संतान नहीं थी, तो इस बात को लेकर हन्ना जो थी हर समय परेशान रहा करती थी कि मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन पनिन्ना की संतान है। वो चाहती तो कह सकती थी, ईश्वर तूने उस पर तो दया करी, मुझ पर क्यों नहीं दया करी। वो चाहती तो ईश्वर के भवन तक नहीं जा सकती थी, वो चाहती तो कहती, ईश्वर तूने मुझे दिया ही क्या कि मैं तेरे पास आऊँ। लेकिन हन्ना ने उस परिस्थिति में भी ईश्वर के आगे अपने मन को खोलकर कहा, यदि आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, यदि आपके जीवन में दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, यदि कोई भी ऐसी ब्लेसिंग्स नहीं है आपकी लाइफ में, तो ईश्वर के आगे आइए, खोलकर अपने मन की बातों को कहिए। जिस ईश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना, हन्ना की प्रेयर को सुना, वो आपकी भी प्रेयर को सुनेगा। वो गॉड है और वो आज भी हमारी दुआओं को सुनता है। जैसे हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, हमारी गॉड दुआ नहीं सुनता है, प्रेयर्स नहीं सुनता है, लेकिन गॉड जो है आपकी भी
प्रेयर्स को सुनता है। आप ये ना सोचे गॉड नहीं है, गॉड है और आज भी वो काम करता है। तो हम देखते हैं वो कल भी काम करता था और आज भी काम करता है और आने वाले कल में भी आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम करेगा। यदि आप विश्वास करते हैं हन्ना की तरह, यदि आप निराश हैं, परेशान हैं, ईश्वर के आगे बिलकते हैं, आंसुओं के साथ रोते हैं, अपने आने वाले कल की चिंताओं में हैं, यदि आप आने वाले कल के लिए चिंतित हैं, यदि आप लोगों की बातों से परेशान हैं, यदि आप समाज से परेशान हैं, यदि आपकी संतान नहीं है, यदि आप अपने घर से परेशान हैं, यदि कोई भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों ना हो रही हो, लेकिन प्रियो मैं आज आपको फेथ दिलाना चाहूँगी। यदि आप ईश्वर के आगे आएंगे, यदि ईश्वर के आगे आप पिलक कर अपने मन की बातों को कहेंगे, तो ईश्वर एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन की सारी चिंताएं फिक्रों को दूर कर देगा। मेरा फेथ है आज जब आप इस स्टोरी को सुन रहे हैं और आपके मन में एक नया उत्साह और एक नई जागृति आ रही है, मैं विश्वास करती हूँ कि आपकी सिचुएशंस चेंज होंगी यदि आप अपने मन की बातों को खोलकर उस ईश्वर के आगे कहेंगे। जैसे हन्ना ने अपने मन की बातों को खोलकर किसी इंसान के आगे नहीं कहा, लेकिन उसने अपने मन की हर एक बातों को खोलकर ईश्वर के आगे प्रकट किया। उसने किसी इंसान के आगे अपने मन की बातों को खोलकर नहीं कहा। प्रियो आज हम अपनी मन की बात हो सकता है अपने लोगों से शेयर करते हो, अपने लोगों को बताते हो, लेकिन उसका सलूशन हमें नहीं मिलता है। हमें उसका सलूशन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो कर सकता है वो ईश्वर कर सकता है। क्योंकि इस इंसान के बनाए हुए रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर के बनाए हुए रास्तों को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। तो मैं आज आपको फेथ दिलाना चाहूँगी, आपको इनकरेज करना चाहूँगी, यही कहकर कि आप हन्ना के समान ईश्वर के आगे आए, अपने जीवन की चिंताएँ फिक्रें अपने बोझों को ईश्वर के आगे रखें और आप हमेशा आनंदित रहेंगे, क्योंकि गॉड्स के प्लान्स आपके लिए बहुत बड़े बड़े हैं और आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। यदि आप विश्वास करते हैं तो आज आप इनकरेज होंगे। इस स्टोरी को सुनकर मैं फेथ करती हूँ कि आप इनकरेज हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरे प्रियो, क्या आप तभी ईश्वर को मानेंगे जब क्या वो आपको देता रहे? क्या आप तब नहीं पूछेंगे जब वो आपको नहीं दे रहा है? आप तब भी उसको पूछें जब वो आपको कुछ नहीं दे रहा है? यदि आप उसको तब भी पूछते हैं, क्योंकि गॉड बहुत सी बार साइलेंट रहता है क्योंकि वो हमारे लिए प्लान्स बना रहा होता है, तो आप उस टाइम पे भी उसको पूछें जब आपको कुछ नहीं मिल रहा हो। हन्ना के जीवन में जब कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं थी, उसने तब भी ईश्वर को पूछा। तो प्रियो आप भी उस सिचुएशन में भी पूछें जब आपके पास कुछ भी नहीं है।